साथ हैं। बिहार टीम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बिहार टीम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बिहार टीम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। गुजरात टीम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। उत्तर प्रदेश टीम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मध्य प्रदेश टीम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरा नाम किंजी भाई यादव है। हम गुजरात से भावनगर जिले का हूँ। अच्छा, तो आप लोग 8 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हो शांतिपूर्ण तरीके से। मोदी जी से अपनी मांगे बहुत वो मांगी छोटी मांग मांगी है। आप लोग 8 साल से संघर्ष कर रहे हो, आप लोग क्यों नहीं दिया जा रहा? वो तो ऐसा है कि संघर्ष तो हम करता है, 8 साल से नहीं, छेला 12 साल से संघर्ष चालू है हमारा। जो 2013 में कोश्यारी कमेटी थी, उसने डिमांड रखी थी 3,000 रुपया, 3,000 प्लस DA। तो तब वो कांग्रेस की सरकार थी, तब जो जावड़ेकर साहब ने बोला था तब भी उपवास था हमारा। तो जावड़ेकर साहब आके बोला कि भाई तुम हम तुम्हारा काम कर देंगे, इसलिए आपका जो आंदोलन है वो समाप्त कर दो, 90 दिवस में हम आपका काम कर देंगे। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, और हमारा कमांडर साहब है, उसने पछी उसके बाद कमांडर साहब ने झंडा उठाया हमारा कि भाई जो आप पेंशन मिल रहा है वो सत्य नहीं है। बाबूजी एक बात बताइए, आप के यहीं के मोदी जी हैं, इतने दिन मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री 10 साल रहे, अब जाने वाले भी हैं और फिर आने वाले भी हैं, जब आपके घर के आदमियों का उन्होंने नहीं ध्यान रखा, पूरे देश का कैसे रखेंगे, तो बताइए इस पे क्या कहेंगे? वो तो ऐसा है ना साहब, लगभग 25 साल तो रहा मुख्यमंत्री तक, और वहाँ से दिल्ली आया, तो हम तो खुश है कि हमारा गुजरात का एक आदमी प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन जो हमारा प्रश्न जो सवाल नहीं होता है, इसीलिए हम दुखी है, कितनी पेंशन मिल रही है? मेरे को 2100 रुपया मिलता है, और मेरी 40 साल की नौकरी थी। अच्छा, कितने पैसे ईपीएफओ को कटवा चुके हैं आप? मैं पहला 441 और फिर 541। अच्छा। और लास्ट टाइम 1250। अच्छा, लगभग कितने पैसे होंगे आपके जमा? हमारा पैसा तो आम करीब जो गिनती किया जाए ब्याज के ब्याज ब्याज के ब्याज तो 15 से 20 लाख हमारा पैसा सरकार पास से जमा होता है। क्या कहेंगे, कुछ ही दूर पे मोदी जी बैठे हुए हैं, आप कुछ ही दूर उनके घर से बैठे हुए हैं, आज पार्लियामेंट में बहस भी कर रहे हैं, आज लास्ट आखिरी दिन है उनका, क्या संदेश देंगे उनको? मोदी साहब को तो हम रिक्वेस्ट 10 साल से कर रहे हैं, और जो हमारा सांसद है, सभी सांसद, उसको भी हमने सभी सांसदों को लेटर भेजा है और रूबरू मिला है, और किसी को मालूम नहीं ऐसा नहीं है, जो संसद सभ्य है किसी को मालूम नहीं ऐसा नहीं है, पर लेकिन हमारा प्रश्न क्यों नहीं उठा था वो हमको दुख होता है थोड़ा। दुख क्या, प्रधानमंत्री जी कमांडर साहब से 2 बार मिल चुके हैं हेमा मालिनी के थ्रू, उन्होंने वादा किया था, गारंटी दिया था कि मैं जब रहूंगा इसको पूरा करूंगा आप लोगों की मांग। तो मोदी साहब को हमारी एक विनंती है कि साहब बस वृद्धों का काम एक हमारा कर दो, तो वृद्धों अच्छी तरह से जीने लायक रहे। हाँ, अगर जो अभी तो काम नहीं हुआ तो हमारा इच्छा मृत्यु को सिवाय हमारा रास्ता कोई नहीं है, और ऑल इंडिया में हमें इच्छा मृत्यु का वो कलेक्टर है, जो प्रधानमंत्री है, जो भी धारा सभ्य है उसको सभी को लेटर हम देगा, और जो कमांडर साहब कहेगा ऐसा हम पिछला जो हमारा जो रणनीति है वो हमारा कमांडर साहब कहेगा ऐसा हमारा रणनीति रहेगा। जी बाबूजी क्या कहोगे आप? उक्का भाई चौहान, भावनगर गुजरात, सह कन्वीनर। अभी जो हमारे साथी खिमजी भाई ने कहा वो बात सही है, 2 बार मोदी जी से भेंट की, सभी मंत्रीगण, राजनाथ सिंह हो, निर्मला सीतारमण रमण जी हो, सभी लोग
हमें हमारे साथ सहानुभूति दिखाते हैं, सिर्फ सहानुभूति। हमें सिर्फ सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें निर्णय चाहिए। आपको गुड़ चाहिए, गुड़ जैसी बातें नहीं चाहिए। हाँ, वो क्या है, सहानुभूति दर्शा के हमारे साथ ये जो हो रहा है, हमारे साथ जो हो रहा है वो उससे हमारी सरकार पर जो हमारा भरोसा था उसमें थोड़ी हमें दिक्कत होने लगी है, क्योंकि सरकार हमारी हमारे साथ बहुत होकर दिलचस्प होकर सहानुभूति दिखाई, फिर भी वो सहानुभूति है तो सहानुभूति पूर्वक हमारे ये बड़े बुजुर्ग ये लोग वृद्ध पेंशन योजना जारी करते हैं, खेडूतों को पेंशन जारी करते हैं, विधवा को पेंशन जारी करता है, इवन सीनियर सिटीजन का पेंशन है, लेकिन हम मिडिल क्लास में आते हैं तो हम वो भी नहीं ले सकते। मेरा 1200 पेंशन है, 1200 तो हम वो 2000-3000 हमारे से ज़्यादा उनको मिलता है, वो भी हम लायक नहीं। एक पेंशन मिलने से वो पेंशन नहीं ले सकते, ऐसा हमारी हालत है। इसीलिए हम लोग अभी अंदर से रोड पर आए, जब 14 तारीख को हम रामलीला मैदान में बैठे थे तभी से 10 तारीख से हमारा उपवास आंदोलन करने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश था, तो वहाँ जाने के लिए वहाँ आकर सभी सांसद सभी लोगों ने वो आंदोलन मौकूफ रखवाया, क्योंकि हम आपका प्रश्न बिठा देंगे। भूपेंद्र यादव जी आए, उनको भेंट करवाई, लेकिन निर्णय नहीं। मीटिंग होती है, निर्णय में देरी क्यों, निर्णय क्यों नहीं लेते, ये हमारा सवाल है। लास्ट हमारा स्टेज वही है, हमारे कमांडर साहब मोदी साहब सभी गारंटी देते हैं, तो हमारी गारंटी का क्या, पेंशन बढ़ोतरी की गारंटी का कुछ नहीं हुआ। अभी हम तो अभी क्या है कि रोड पर है, दूसरा कि अगर राउत सर ने हमें आदेश दिया तो जिला प्रशासन के बाद पूरे देश में हम राष्ट्रपति जी को इच्छा मृत्यु का पत्र भेजेंगे, इच्छा मृत्यु की सामूहिक पूरे देश में मांग करेंगे, यही हमारी अगली रणनीति होगी अगर कमांडर जी हमें आदेश दें।